अब जरा कल्पना कीजिए कि व्यक्ति अगर अपने अधिकारों और हक को लेकर खुद को ही सरकार मानते हुए ऐसी स्थिति में आ जाए कि अब वो करे हम ही निर्णय लेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ये स्थिति हमने आपको 15 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखलाई थी पत्थलगढ़ी की। हमें लगा छत्तीसगढ़ में फिर उस इलाके में हमारे संवाददाता गए, उन्होंने वहां से एक दूसरी रिपोर्ट भेजी। सरकार के गले की हड्डी है और सरकार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं आ रही है कि आदिवासी खुद का निर्णय खुद ही करने लगे। रिपोर्ट देखिए। ये नारा 15 दिनों पहले का है, जब 23 अप्रैल को जशपुर जिले के 3 गांवों ने पत्थलगढ़ी की शुरुआत की। यानी एक ऐसी समानांतर व्यवस्था जिसमें ग्राम सभा की इजाजत के बगैर कोई अधिकारी कोई मंत्री गांव में घुस नहीं सकता। तो सियासत को ये ठीक लगा नहीं कि गांव वाले खुद के लिए खुद ही कैसे सरकार हो सकते हैं, पर गांव के भीतर तो इस देश की संसद से भी ज्यादा तीखी बहस जारी है। तो बस्तर बनाना चाह रहे हैं, बस्तर बनाना चाह रहे हैं लोग, जैसे बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, बैठिए ना, बैठिए ना। जैसे आदमी जा रहे हैं घूमने तो कहे आए हो, कह रहे हैं दबा रहे हैं, चढ़ने नहीं दे रहे, ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। सभाएं जारी है, एक तरफ वो लोग जो पत्थलगढ़ी के पक्ष में, दूसरी तरफ वो लोग जो पत्थलगढ़ी के विरोध में। जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है पत्थलगढ़ी के ऐलान के बाद से गांव में डर का वातावरण हो गया, गांव वालों में शक की दीवार खड़ी कर दी गई और पुलिस प्रशासन से लेकर नेता और सरकार तक जब पत्थलगढ़ी के ऐलान को खत्म करने के लिए भिड़ गए तो फिर राजनीति पत्थलगढ़ी को धर्मांतरण तक से जोड़ रही है। हम लोग का धर्म नीति को छीन रहे हैं। हम लोग को डर है कि पत्थलगढ़ी में हम लोग के ऊपर अत्याचार होगा, आगे चल के भी सावधान बताए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये दरअसल उसी गांव के आदिवासी हैं जिस गांव के लोग एक तरफ पत्थलगढ़ी का मुहिम चलाकर विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये आदिवासी हैं जो ये चाह रहे हैं कि कल तक जिन लोगों के साथ शादी संबंध में आना जाना होता था, एक दूसरे को निमंत्रण देना होता था, लोगों के बीच में प्यार हुआ करता था, आज वही लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं और गांव में इन्हें घुसने से मना कर रहे हैं। सिर्फ ईसाई बनना ही नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित होने की बात भी जुड़ने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पत्थलगढ़ी के समर्थन में है उनका कहना है विकास होता नहीं, और ऐसे में सरकार की नींद चाहे उड़ रही हो, पुलिस प्रशासन चाहे कुछ भी समझ रहा हो, पर इन हालातों के बीच गाँव के उन हालातों को कोई भी देखता क्यों नहीं कि गाँव के आदिवासियों के पास रोजगार है नहीं, गांव में न्यूनतम सुविधा भी नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य से ये गांव कोसों दूर है। पर बहस आठ की है, पत्थलगढ़ी सही है या गलत। पहले आने जाने में हम लोग को दहशत है कि इतनी बड़ी जंगल है, 10 किलोमीटर का जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये डर है हम लोग को, एकदम भय भी लगता है सर। हम लोग को एक तो जंगल के बीच में है, कहीं आने जाने के लिए मेरे को जब बगीचा जाने का रहता है, मैं 2-3 जन मेरे साथ अगर नहीं रहते हैं सर तो मेरे को जाने का हिम्मत नहीं लगता है। पहले तो ये सब नहीं था सर, भाईचारा के नाते सब रहते थे, अभी जो ये पत्थलगढ़ी हुआ ना इसके बाद ही इन लोग ये सब माने अभी हम लोग को माने वो कर रहे हैं। एक तरफ कलिया गांव में जहां लोग पत्थलगढ़ी के विरोध में बैठे हैं, वहीं जशपुर के ही बुटंगा गांव में एक मीटिंग भी चल रही है। ये मीटिंग पत्थलगढ़ी को तोड़ने के खिलाफ चल रही है। पत्थलगढ़ी के समर्थकों का कहना है कि वो किसी भी जाति धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचा रहे। इसके बाद भी गांव में घुसकर पत्थल को तोड़ा गया जिसे गांव वालों ने लगाया था। इनका कहना है गांव में वो शांति चाहते हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया उनकी रिहाई होनी चाहिए, पत्थल को तोड़ने वाले लोग पत्थल को खड़ा करें। हाँ आए फिर एकदम पूरा शिला तोड़ने के लिए शुरू कर दे, सबर लाए, घना लाए और पूरा लोग हथौड़ा पकड़ के हिलाए। बाहर से आए हुए लोग हम लोग को, जो हम लोग अच्छे शांति से जीते हैं उसको शांति भंग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। खुदे वो लोग आके इसको दोबारा निर्माण कर दें और हम लोग इसको जो तोड़ा गया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। और इन हालातों के बीच पत्थलगढ़ी के समर्थकों ने कैसी खामोशी भी बरत ली, ये तब नजर आया जब हमारे संवाददाता ने पत्थलगढ़ी समर्थकों से बात करनी चाहिए तो गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्यों वो लोग समूह बनाकर इस तरह से एकत्रित हो रहे हैं? गाँव में जो वातावरण बिगड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम मसलों पर हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बताइए क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? भाई साहब क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग?
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।